हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक जोशी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो हिट ट्रांसफर के अंदर अपना एपिसोड नंबर 16 देखने जा रहे हैं। उसके अंदर हम जो देखने जा रहे हैं वो पार्ट 4 एग्जांपल ऑफ हिट एक्सचेंज। तो आज जो बच्चों एग्जांपल है वो हम एनटीयू के मेथड के सोल्व करेंगे, ठीक है, इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड से। तो आगे के जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो मैंने एलएमटीटी मेथड से सिखाए हुए, तो आप पहले वो देख लो, देन इट विल बी बेटर कि आप ये देखें, ठीक है। तो आप याद ही, हम बच्चों जो सोल्व करेंगे वो एनटीयू मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गिवन डेटा दिया गया है, तो हमें गिवन डेटा है उसमें हमने हॉट फ्रूट दिया गया। अब आपको हॉट फ्रूट कैसे पता चलेगा? तो हॉट फ्रूट वो होगा बच्चों, जब भी आप एग्जांपल पढ़ेंगे, हॉट फ्रूट वो होगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा से कम हो रहा होगा। जो ठंडा हो रहा होता है वो गर्म फ्रूट होता है, वो हॉट फ्रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्रूट दी गई है 2.45 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मास फ्लो रेट हॉट फ्रूट भी दिया गया है 0.55 केजी पर सेकेंड। हॉट फ्रूट का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर है 115 to 40, तो हमें पता चला कि 115 to 40 यानी कम हो रहा है, दिस इज हॉट फ्रूट। सो TH1 एंड TH2 इज गिवन, इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्रूट। अब जो कोल्ड फ्रूट होगा बच्चों, बच्चों कम से ज्यादा होगा क्योंकि वो हीट गेन करेगा, ठीक है। तो जो गर्म हो रहा होता है बच्चों वो कोल्ड फ्रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर TC1 15 डिग्री और TC2 हमें 75 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ठीक है। और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यू है उसकी वैल्यू दी गई है 1450 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड वाटर फाइंड करें, सेकंड वो पूछ रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर फाइंड करें, और थर्ड नंबर वो पूछ रहा है सरफेस एरिया फाइंड करें, ठीक है। तो अब सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है कि इसको हमें सोल्व करना है, तो सबसे पहले मास फ्लो रेट के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों की TH1 TH2 गिवन है, TC1 TC2 गिवन है, चारों के चारों टेम्परेचर है, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ हॉट गिवन है लेकिन मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड नहीं है। तो जब भी मास फ्लो रेट या कोई एक टेम्परेचर मिसिंग हो, तो आपको पता है बच्चों कोई भी एग्जांपल हीट एक्सचेंजर का आपको एनर्जी बैलेंस लगाना है, ठीक है। तो नंबर वन में हम एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, जो होता है वॉट एवर द हीट गिव अप बाई दी हॉट फ्लूड इज इक्वल टू हीट गेन बाई दी कोल्ड फ्लूड। तो हीट गिव अप बाई दी हॉट फ्लूड होगा MC ΔT ऑफ हॉट, और जो हीट गेन बाई दी कोल्ड फ्लूड होगा वो होगा MC ΔT ऑफ कोल्ड, ठीक है। अब बच्चों मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूड हमारे पास है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू लिख दोगे, फिर CPH की वैल्यू भी यहाँ पे है, ठीक है, वो मिल जाएगी। लेकिन जब भी आप CPH लिखो तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करना ना भूले, क्योंकि ये अगर आप CP को 1000 में मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ये आंसर आपको किलो वोट में मिलेगा, क्योंकि हमें वोट में रखना है, इसलिए CP को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा जब भी किलो जूल में है तब, ठीक है। अब TH1 TH2 आपको यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी दिया है 115 -40 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड वाटर, जो हमें फाइंड करना है। आप CPC यहाँ पे CPC नहीं दिया बच्चों, यानी ये जो सेकंड कोल्ड फ्लूड है वो वाटर है, और हमें याद रखना है जब भी वाटर हो तो उसका स्पेसिफिक हीट होता है 4.186 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। आपको दिया नहीं हुआ होगा, आपको याद रखना है यहाँ पे CPC है 4.186, लेकिन बच्चों इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना ना भूले, तभी आपका आंसर है वोट के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CP को 1000 से किया तो यहाँ पे भी करना है क्योंकि किलो जूल के अंदर है। फिर TC2 - TC1, TC2 हमारे पास 75 और TC1 15 है, तो 75 - 15, तो यहां से हमें मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लो मिल जाएगा, क्या होगा वो केजी पर सेकंड, ठीक है। तो हमें मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लो मिल गया। अब बच्चों हमें ढूंढना है सेकंड होता है इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। हमें इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर का फॉर्मूला पता है, आइदर आप MC ΔT कोल्ड यूज करें या फिर MC ΔT हॉट, या फिर नीचे तो आप फिक्स ही होगा, नीचे क्या आएगा C मिनिमम TH1 माने TC1। अब बच्चों देखो आपको सी मिनिमम चाहिए, अब सी मिनिमम होता क्या है, तो ये होता है बच्चों, ये होता है हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले आप MH और CPH यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड और मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, इसको बोलते हैं CH यानी हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए कुछ आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जो भी आंसर यहाँ पे लाएंगे इसका यूनिट आप लिखे, आपको पता होना चाहिए कि इसका यूनिट क्या है, ठीक है। अब ये देखो मास फ्लो रेट का होगा केजी पर सेकेंड और स्पेसिफिक हीट होगा किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या होगा केजी कट किलो जूल पर सेकंड, यानी क्या हो जाएगा किलो वोट पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर हमें किलो वोट में ही आंसर वोट में चाहिए, यानी ये होगा वोट पर डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आप यहाँ जो भी CPH का मल्टीप्लाई करें उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूले, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा वोट पर डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में दिया गया तो आप यहाँ पे केल्विन लिख सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड, जो होता है मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड और स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड का मल्टीप्लीकेशन, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है। MC हमें यहाँ पे दिया गया, MC कितना है बच्चों, MC हमने यहाँ से ढूंढ लिया, CPC यहाँ पे 4.186, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए। उसी तरीके से MH तो मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड 0.55, CPH यानी इस दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, यहाँ पे भी बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, तभी आपका आंसर वॉट पर डिग्री सेल्सियस में आएगा, अदरवाइज किलो वॉट पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, तो जिसकी वैल्यू छोटी है उसको आपको सी मिनिमम बोला, मान लो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कम आई तो इसको मैं बोलूंगा सी मिनिमम, मान लो यहाँ पे आ गया 1700
और यहाँ पे 2000 तो 1700 कम है तो ये सी मिनिमम हो जाएगा, 2000 ज्यादा है तो ये हो जाएगा सी मैक्सिमम, ठीक है। फिर इससे आपको मिलेगा हीट कैपेसिटी रेशियो, जो होगा सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो सी मिनिमम की वैल्यू आई वो यहाँ पे लिखे और सी मैक्सिमम जो नीचे आया यहाँ पे उसको आंसर मिलेगा। जो आर का आंसर आएगा वो यूनिट लेस होगा, ठीक है। उसके बाद हम ढूंढेंगे इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस हमें पता है, आप यहाँ पे ऊपर बच्चों आइदर आप एमसीसीपीसी कोल्ड टेम्परेचर डिफरेंस लिख सकते हैं या फिर एमएचसीपीएच हॉट टेम्परेचर डिफरेंस लिख सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप, दोनों में आंसर सेम आएगा। लेकिन नीचे का जो टर्म होगा वो सी मिनिमम टीएच और टीसीवन फिक्स रहेगा, ठीक है। तो बच्चों एमसीसीपीसी यानी यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन किया उसका ही आंसर इधर लिखना है। टीसी टू टीसीवन हमारे पास है, ठीक है। सी मिनिमम यहाँ से जिसकी वैल्यू सी मिनिमम है यहाँ पे लिखना है, टीएच और टीसीवन की भी वैल्यू है हमारे पास, टीएच और टीसीवन यहाँ पे रखो तो आपको इफेक्टिवनेस का आंसर मिलेगा जो यूनिट लेस होगा, ठीक है, यहाँ पे यूनिट नहीं होगा। अब बच्चों हमें ढूंढना है सरफेस एरिया, लेकिन उसके लिए हमें एनटीयू चाहिए होगा, क्योंकि एनटीयू इज इक्वल टू होता है यूए अपॉन सी मिनिमम। तो एक बार एनटीयू मिल जाए तो यहां से हम एक और सब्जेक्ट बना सकते, तो अभी हमें एनटीयू ढूंढना होगा। तो फिर से हम इफेक्टिवनेस की काउंटर फ्लुइडेशन, देखो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा हीट एक्सचेंजर है। तो ये जो हीट एक्सचेंजर उसने दिया गया है वो है काउंटर फ्लुइड एक्सचेंजर, ठीक है। तो काउंट सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा। तो काउंटर फ्लो के लिए हमें इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला पता है, 1 माइनस ई रेस टू माइनस 1 माइनस आर एनटीयू अपॉन 1 माइनस आर ई रेस टू माइनस 1 माइनस आर एनटीयू। अब देखो बच्चों हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से मिल गई, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू है, आर की वैल्यू भी हमारे पास है जो हमने यहां से ढूंढी हुई। तो आपको यहां से एनटीयू को सब्जेक्ट बनाना होगा, तो यहां से आपको एनटीयू मिलेगा, ठीक है। अगेन एनटीयू यूनिट लेस टर्म है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब हमारे पास बच्चा फिफ्थ नंबर एनटीयू का हमारे पास और एक इक्वेशन हुआ है यू अपॉन सी मिनिमम। अब बच्चों आपको यहां से एनटीयू मिल गया होगा, यानी एनटीयू की वैल्यू आपके पास है, यू हमें दिया गया है गिवन डेटा के अंदर वो है 1450, सी मिनिमम हमारे पास है जो कि एक्स की वैल्यू होता है, आप यहां पे रखें तो आप एरिया को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको एरिया मिलेगा जो होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं होता है, बहुत इजी होते हैं इसके एग्जांपल, आपको जस्ट मेथड वाइज जाना है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थियरी के, यू कैन सॉल्व एनी एग्जांपल ऑफ हीट एक्सचेंजर। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगा, उसको सब्सक्राइब करें, हैव अ नाइस डे, बाय।